पुरुषार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम आरण्य पर्व 313वां अध्याय यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर तथा युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट हुए यक्ष का चारों भाइयों के जीवित होने का वरदान देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर ने इंद्र के समान गौरवशाली अपने भाइयों को सरोवर के तट पर निर्जीव की भांति पड़े हुए देखा, मानो प्रलय काल में संपूर्ण लोकपाल अपने लोकों से भ्रष्ट होकर गिर गए हों। अर्जुन मरे पड़े थे, उनके धनुष बाण इधर उधर बिखरे थे, भीमसेन और नकुल सहदेव भी प्राण रहित हो निश्चेष्ट हो गए थे। इन सबको देखकर युधिष्ठिर गरम गरम लंबी सांसें खींचने लगे, उनके नेत्रों से शोक के आंसू उमड़कर उन्हें भिगो रहे थे। अपने समस्त भ्राताओं को इस प्रकार धराशायी हुए देख महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिर गहरी चिंता में डूब गए और देर तक विलाप करते रहे। वे बोले, महाबाहु वृकोदर, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। महाबाहु, तुम कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे, तुम्हारा हृदय विशाल था। वीर, आज तुम्हारे गिर जाने से मेरे लिए वह सब कुछ व्यर्थ हो गया। साधारण मनुष्यों की बातें तथा उनकी प्रतिज्ञाएं तो झूठी निकल जाती हैं, परंतु तुम लोगों के संबंध में जो दिव्य वाणियां हुई थी वे कैसे मिथ्या हो सकती है। धनंजय, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय देवताओं ने भी कहा था कि कुंती, तुम्हारा यह पुत्र सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र से किसी बात में कम न होगा। उत्तर पारी यात्र पर्वत पर सब प्राणियों ने तुम्हारे विषय में यही कहा था कि ये अर्जुन शीघ्र ही पांडवों की खोई हुई राजलक्ष्मी को पुनः लौटा लाएंगे। युद्ध में कोई भी इन पर विजय पाने वाला न होगा और ये भी किसी को परास्त किए बिना न रहेंगे। वे ही महाबली अर्जुन आज मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? ये वे ही धनंजय मेरी आशालता को छिन्न भिन्न करके धरती पर पड़े हैं, जिन्हें अपना रक्षक बनाकर और जिनका ही भारी भरोसा करके हम लोग ये सारे दुख सहते आए हैं। कुंती के ये दोनों महाबली पुत्र भीमसेन और अर्जुन, जो किसी भी अस्त्र से प्रतिहत न होने वाले, सम्रांगण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले तथा सदैव शत्रुओं का संहार करने वाले वीर थे, वे आज सहसा शत्रु के अधीन कैसे हो गए? मुझ दुष्ट का हृदय निश्चय ही पत्थर और लोहे का बना हुआ है, जो कि आज इन दोनों भाई नकुल और सहदेव को धरती पर पड़ा देख विदीर्ण नहीं हो जाता है। पुरुष सिंह बंधुओं, तुम लोग शास्त्रों के विद्वान, देश काल को समझने वाले तपस्वी और कर्मठ वीर थे, अपने योग्य पराक्रम किए बिना ही तुम लोग कैसे सो रहे हो? तुम्हारे शरीरों में कोई घाव नहीं है, तुमने धनुष बाण का स्पर्श तक नहीं किया है तथा तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। ऐसी दशा में इस पृथ्वी पर संज्ञा शून्य होकर क्यों पड़े हो? परम बुद्धिमान युधिष्ठिर, धरती पर पड़े हुए पर्वत शिखरों के समान अपने भाइयों को इस प्रकार सुख की नींद सोते देखकर बहुत दुखी हुए। उनके सारे अंगों में पसीना निकल आया और वे अत्यंत कष्टप्रद अवस्था में पहुंच गए। यह ऐसा ही होनहार है, ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर शोक सागर में मग्न तथा व्याकुल होकर भाइयों की मृत्यु के कारण पर विचार करने लगे। वे ये भी सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। महाबुद्धिमान महाबाहु युधिष्ठिर देश और काल के तत्वों को पृथक पृथक जानने वाले थे, तो भी बहुत सोचने विचारने पर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तत्पश्चात धर्मात्मा और तपस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने मन को स्थिर करके बहुत विलाप करने के पश्चात अपनी बुद्धि द्वारा यह विचार करने लगे, इन वीरों को किसने मार गिराया है? इनके शरीर में अस्त्र शस्त्रों के आघात का कोई चिन्ह नहीं है और न इस स्थान पर किसी दूसरे के पैरों का निशान ही है। मैं समझता हूं अवश्य वह कोई भारी भूत है जिसने मेरे भाइयों को मारा है। इस विषय में मैं चित्त को एकाग्र करके फिर सोचूंगा
अथवा पानी पीकर इस रहस्य को समझने की चेष्टा करूंगा। संभव है दुर्योधन ने चुपके चुपके कोई षड्यंत्र किया हो, अथवा जिसकी बुद्धि में सदा कुटिलता ही निवास करती है उस गांधार राज शकुनी की भी यह करतूत हो सकती है, जिसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों बराबर है। उस अजितात्मा पापी शकुनी पर कौन वीर पुरुष विश्वास कर सकता है, अथवा गुप्त रूप से नियुक्त किए हुए पुरुषों द्वारा दुरात्मा दुर्योधन ने ही यह हिंसात्मक प्रयोग किया होगा। इस प्रकार परम बुद्धिमान युधिष्ठिर भांति भांति की चिंता करने लगे। परीक्षा करने पर उन्हें इस बात का निश्चय हो गया था कि इस सरोवर के जल में जहर नहीं मिलाया गया है, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकृति नहीं उत्पन्न हुई है। अब भी मेरे भाइयों के मुख की कांति प्रसन्न है। इस तरह वे सोच विचार में ही डूबे रहे। मेरे इन पुरुष रत्न भाइयों में से प्रत्येक के शरीर में बल का अगाध सिंधु लहराता था। आयु पूर्ण होने पर सबका अंत कर देने वाले यमराज के सिवा दूसरा कौन इनसे भिड़ सकता था। इस प्रकार निश्चय करके युधिष्ठिर जल में उतरे। पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में आकाशवाणी सुनाई दी। यक्ष बोला, राजकुमार, मैं सेवार और मछली खाने वाला बगुला हूं। मैंने ही तुम्हारे छोटे भाइयों को यमलोक भेजा है, अतः मेरे पूछने पर यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दोगे तो तुम भी यमलोक के पांचवे अतिथि होगे। तात, जल पीने का साहस न करना, इस पर मेरा पहले से ही अधिकार हो गया है। कुंती कुमार, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर बोले, मैं पूछता हूं, तुम रुद्रों, वसुओं अथवा मरुदगणों में से कौन से प्रधान देवता हो? बताओ, यह काम किसी पक्षी का किया हुआ नहीं हो सकता। मेरे महातेजस्वी भाई हिमवान, पारियात्र, विंध्य तथा मलय इन चारों पर्वतों के समान है, इन्हें किसने मार गिराया है? बलवानों में श्रेष्ठ वीर, तुमने यह अत्यंत महान कर्म किया है। बड़े बड़े युद्धों में जिन वीरों को देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी नहीं सह सकते हैं, उन्हें गिराकर तुमने परम अद्भुत पराक्रम किया है। तुम्हारा कार्य क्या है यह मैं नहीं जानता, तुम क्या चाहते हो इसका भी मुझे पता नहीं है। तुम्हारे विषय में मुझे महान कौतूहल हो गया है। तुमसे मुझे कुछ भय भी लगने लगा है, जिससे मेरा हृदय उद्विग्न हो उठा है और सिर में संताप होने लगा है। अतः भगवन, मैं विनय पूर्वक पूछता हूं, तुम यहां कौन विराज रहे हो? यक्ष ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जलचर पक्षी नहीं हूं, यक्ष हूं। तुम्हारे ये सभी महान तेजस्वी भाई मेरे द्वारा ही मारे गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उस समय इस प्रकार बोलने वाले उस यक्ष की वह अमंगलमय और कठोर वाणी सुनकर भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक विकट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है। वह बड़ा ही दुर्धर्ष, ताड़ के समान लंबा, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी तथा पर्वत के समान ऊंचा है। वह अपनी मेघ के समान गंभीर नाद युक्त वाणी से उन्हें फटकार रहा है। उसकी आवाज बहुत ऊंची है। यक्ष ने कहा, राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी ये बलपूर्वक जल ले जाना चाहते थे, इसी से मैंने इन्हें मार डाला। महाराज युधिष्ठिर, यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने की इच्छा हो तो वहां जल नहीं पीना चाहिए। पार्थ, तुम पानी पीने का साहस न करना, यह पहले से ही मेरे अधिकार की वस्तु है। कुंती नंदन, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, मैं तुम्हारे अधिकार की वस्तु को नहीं ले जाना चाहता, मैं स्वयं ही अपनी बड़ाई करूं इस बात की सत्पुरुष कभी प्रशंसा नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम मुझसे प्रश्न करो। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन ऊपर उठाता है, उसके चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है
और वह किस में प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पूछा, राजन, मनुष्य क्षोत्रिय किससे होता है? महत्पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर बोले, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य क्षोत्रिय होता है, तप से महत्पद प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीयवान होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उसका मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है और शरण में आए हुए दुखियों का परित्याग कर देना उनमें असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञ साम है? कौन एक यज्ञ यजु है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर बोले, प्राण ही यज्ञ साम है, मन ही यज्ञ संबंधी यजु है, एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्ण करती है और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने पूछा, खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? बिखेरने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है तथा संतानोत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर बोले, खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बिखेरने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए गौ श्रेष्ठ है और संतान उत्पादन करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने पूछा, ऐसा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर एवं इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते तथा श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है? युधिष्ठिर ने कहा, जो देवता, अतिथि, भरणीय कुटुंबी जन, पितर और आत्मा, इन पांचों का पोषण नहीं करता वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य एवं अनंत है। यक्ष ने पूछा, कौन सोने पर भी आंखें नहीं मूंदता? उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता? किसमें हृदय नहीं है और कौन वेग से बढ़ता है? युधिष्ठिर बोले, मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष ने पूछा, प्रवासी का मित्र कौन है? गृहवासी का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोले, सहयात्रियों का समुदाय अथवा साथ में यात्रा करने वाला साथी ही प्रवासी का मित्र है, पत्नी गृहवासी का मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मुमूर्षु अर्थात मरने वाले मनुष्य का मित्र है। यक्ष ने पूछा, राजेंद्र, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है?
अमृत क्या है और यह सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर बोले, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है और महान आवपन क्या है? युधिष्ठिर बोले, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर बोले, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य की आत्मा क्या है? इसका दैवकृत सखा कौन है? इसका उपजीवन क्या है और इसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर बोले, पुत्र मनुष्य की आत्मा है, स्त्री इसकी दैवकृत सहचरी है, मेघ उपजीवन है और दान इसका परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर बोले, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य श्रेष्ठ है और सुखों में संतोष ही उत्तम सुख है। यक्ष ने पूछा, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर बोले, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है, मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और सत्पुरुषों के साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है? किसको त्याग कर शोक नहीं करता? किसको त्याग कर वह अर्थवान होता है और किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर बोले, मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है और राजाओं को क्यों दान दिया जाता है? युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान देते हैं, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान दिया जाता है और राजाओं को भय के कारण दान देते हैं। यक्ष ने पूछा, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण नहीं जाता? युधिष्ठिर बोले, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे नष्ट हो जाता है? युधिष्ठिर बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, यानी मरे हुए के समान है, बिना राजा का राज्य मर जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणा का यज्ञ नष्ट हो जाता है। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है? जल क्या है? अन्न क्या है? विष क्या है और श्राद्ध का समय क्या है? यह बताओ, इसके बाद जल पियो और ले भी जाओ।
युधिष्ठिर बोले, सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, पृथ्वी अन्न है, प्रार्थना विष है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। अथवा यक्ष, इस विषय में तुम्हारी क्या मान्यता है? यक्ष ने पूछा, तप का क्या लक्षण बताया गया है? दम किसे कहा गया है? उत्तम क्षमा क्या बताई गई है और लज्जा किसको कहा गया है? युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में तत्पर रहना तप है। मन के दमन का ही नाम दम है। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करना क्षमा है तथा न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। यक्ष ने पूछा, राजन, ज्ञान किसे कहते हैं? शम क्या कहलाता है? उत्तम दया किसका नाम है और आर्जव किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है। चित्त की शांति ही शम है। सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है और समचित्त होना ही आर्जव है। यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है तथा जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है और निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। यक्ष ने पूछा, राजन, मोह किसे कहते हैं? मान क्या कहलाता है? आलस्य किसे जानना चाहिए और शोक किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है। धर्म का पालन न करना आलस्य है और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य क्या कहलाता है? परम स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है? युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। इंद्रिय निग्रह धैर्य है। मानसिक मलों का त्याग करना परम स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष ने पूछा, किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए? नास्तिक कौन कहलाता है? मूर्ख कौन है? काम क्या है तथा मत्सर किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए। मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ख है तथा जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वह वासना काम है और हृदय की जलन ही मत्सर है। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं? दंभ क्या कहलाता है? जिसे परम दैव कहते हैं वह क्या है और पैशून्य किसका नाम है? युधिष्ठिर बोले, महान अज्ञान अहंकार है। अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है। दान का फल दैव कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य है। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये सब परस्पर विरोधी हैं। इन नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है? युधिष्ठिर बोले, जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अविरोधी होकर मनुष्य के वश में हो जाते हैं उस समय धर्म अर्थ और काम इन तीनों परस्पर विरोधियों का भी एक साथ रहना सहज हो जाता है। यक्ष ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है? मेरे इस प्रश्न का शीघ्र ही उत्तर दो। युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे ना ही कर देता है वह अक्षय नरक में जाता है। जो पुरुष वेद धर्मशास्त्र ब्राह्मण देवता और पितृ धर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग से रहित है तथा मांगने वाले ब्राह्मण आदि को एवं न्याययुक्त भोग के लिए स्त्री पुत्र आदि को पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है वह अक्षय नरक में जाता है।
यथार्थ मोक्ष में।